एक अच्छे खाने की शुरुआत आपके और हमारे किचन से होती है। मैं निशांत कॉर्पोरेट शेफ रोजी एट होटल्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक बड़ी अनोखी रेसिपीज। आपके घर के की खाने को रेसिपी को मैं ग्लैमराइज करूँगा, यू नो, बट वेरी इजी इंग्रेडिएंट्स, नो फस, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी इजी है, काफ़ी हाइजीनिक है। कुछ एक दो इंग्रेडिएंट इधर उधर है, बाकी काफ़ी सिंपल। आप बनाइए, अपने फैमिली को खिलाइए और बॉन्डिंग भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा जब आप अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे। आज मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ अचारी राजमा की खिचड़ी। चलिए शुरुआत करते हैं इंग्रेडिएंट से। इसमें लिया है मैंने किडनी बीन्स जो कि ऑलरेडी बॉईल करके रखा है। इसको आपको इतना बॉईल करना है, बॉर्न टू डेथ, तब तक बॉईल करो जब तक ये मर ना जाए। मरना नहीं है, बेसिकली सॉफ्ट होनी चाहिए। इसके बाद है हमारे पास राइस जो कि ऑलरेडी प्री बॉइल्ड है, अगेन बिकॉज टाइम यू हैव टू यू नो मैनेज योर टाइम, सो बॉइल्ड अलॉन्ग विथ सम बिट ऑफ येलो दाल, जो मसूर की दाल होती है, काफ़ी हेल्दी होती है। हम हेल्थ को भी बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं बिकॉज दैट्स द ट्रेंड, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ। मैंने लिया थोड़ा सा अनपॉलिश्ड ब्राउन राइस, इंडिया गेट, फेबुलस राइस, काफ़ी अच्छे ग्रेन्स होते हैं। इसको थोड़ा सोक करना पड़ता है 12 घंटा पहले। आप इसको सोक करें फिर बॉयल करके रख लें। अनियन, टोमेटो मसाला, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये मसाला को फ्रिज में बना कर रख लें, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज मेक इट वाइल यू आर कुकिंग द खिचड़ी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें अचार। ये अचार मेरी मम्मी का रेसिपी है, आप चाहे तो अपनी अचार बना लो, बट इसमें मैंने अचारी मिर्ची लिया है लाल वाली जो सीजन में काफ़ी ईजिली अवेलेबल होता है, और उसको प्रिजर्व कर दिया है मस्टर्ड ऑयल के अंदर। मस्टर्ड ऑयल से अचार की बारीकी काफ़ी अच्छी आती है, उसकी तासीर बड़ी अच्छी होती है, खट्टा खट्टापन। थोड़ा सा ये बीन्स है जो कि रेगुलरली आपको मिल जाता है, फावा बीन्स के बहुत क्लोज होता है। और ये हमारे पास पाउडर्स हैं, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, दैट्स इट। सिंपल, इजी और टू द पॉइंट रेसिपीज। शुरुआत करते हैं कि हाउ टू मेक इट। ये हमने जलाया गैस, आपके पास ऑलरेडी 90% काम हो रखा है, आपको केवल 10% कुक करना है। सबसे पहले डालते हैं कुटा हुआ अदरक और जिंजर एंड गार्लिक, उसके साथ थोड़ा सा डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, मज़ा आ रहा है खाना बनाने में बिकॉज इट्स ए ब्यूटीफुल रिजॉर्ट, इट हैज़ गॉट 1000 ट्रीज, नॉट इवन सिंगल ट्री इज कट, वेरी गुड लुकिंग, ऑल अराउंड यू कैन फाइंड ग्रीनरी एंड वाटर बॉडी, अच्छा इन्वायरमेंट है, खाना बनाने में मज़ा आ रहा है। आप खिचड़ी खाओ, मज़े करो और बस खुश रहना है। ये हो गया, ये हम इसको सॉटे करेंगे, ज़्यादा देर पकाना नहीं है। ये भुनने लगा और अब हम डालेंगे इसमें अपना चावल। ये चावल डाल दिया, चावल और दाल का मिक्सचर, ये पकाना है थोड़े तेज आंच में। आप चाहे तो इसमें थोड़े वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, थोड़े से वेजिटेबल्स भी हैं, आप उसमें आराम से कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम, ये सब वेजिटेबल्स भी इसमें डाल सकते हैं, दैट विल ऑल्सो एड लॉट ऑफ हेल्थ टू इट। सो यू नो ऑलवेज दोज थिंग्स कैन बी एडेड, पालक भी डाल सकते हैं, पालक खिचड़ी इज ऑल्सो वेरी नाइस बाय द वे। अब इसमें डालते हैं थोड़े थोड़े स्पाइसेस, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, और फिर थोड़ा सा भूनेंगे सो दैट द स्पाइसेस कुक। ये हो गया, ये सारी चीज पक चुकी है। अब मैं इसमें डालता हूँ राजमा जो कि ऑलरेडी बॉइल्ड है और बॉइल्ड टू डेथ, को रेड किडनी बीन्स भी बोलते हैं। आप राजमा अगर नहीं यूज़ करना चाहो, लेट यू ऑलवेज यूज चना, यू कैन ऑलवेज यूज वाइट बीन्स एज वेल।
सो ये डल गया राजमा, एंड राजमा चावल दाल का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब टाइम टू पुट सम मोर राइस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। हम ब्राउन राइस की बात कर रहे थे, अनपॉलिश ब्राउन राइस 2 चम्मच। और आप ब्राउन राइस की एक और खासियत है, ये जल्दी टूटता नहीं है, सो इट विल ऑल्सो गिव वेरी गुड बाइट टू द खिचड़ी। ओके, आई एम जस्ट गोना पोर सम, थोड़ा सा पानी डालते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगा अनियन टोमेटो मसाला, ये अनियन टोमेटो ऑलमोस्ट रेडी है 99%। इसमें एक चीज की कमी है जो कि इस खिचड़ी को एक अनदर लेवल में लेके जाएगा, जिसके लिए मैं बना रहा हूँ इसमें। वो मेरी टिप्स है, वो मेरा इनोवेशन है, आप चाहे तो अपने अनुसार इनोवेशन करें। ये मेरी तरफ से इट विल बी वेरी नाइस इफ आई सी पीपल इनोवेटिंग देयर इन देयर ओन किचन। काफ़ी अच्छा लगता है हम शेफ्स को जान के कि आप भी इनोवेट करते हो। मेरी इनोवेशन है ये अचार जो कि इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। तो बोलते हैं खिचड़ी के चार यार, अचार, पापड़ और घी और अचार। सिर्फ सब कुछ डल चुका है, केवल अचार बाकी है। अचार डल जाएगा, खिचड़ी रेडी हो जाएगी, मैं थोड़ा सा खा लूँगा। आई एम रियली हंग्री राइट नाउ, मज़ा आएगा, हम और आप साथ में खाएंगे। बस हो गया, ये मैंने अचार इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसको ऑयल भी डालना है, बिकॉज ऑयल हैज़ लॉट ऑफ फ्लेवर। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया, इसको बोलते हैं कोरिएंडर। स्पाइसी भी नहीं है ये एक्चुअली। थोड़ा सा सॉल्ट, तो खिचड़ी से मुझे एक कहावत याद आती है जो मेरी दादी ने मुझे बताया था, काफ़ी हास्यात्मक है बट बिल्कुल सही है। खिचड़ी के चार यार, दही, पापड़, घी और अचार। सो इसमें ऑलरेडी पापड़ तो नहीं है, पापड़ आपके घर में बिल्कुल अवेलेबल होता है। अचार डल चुका है, घी मेरे सामने है, मैं सबको डाल दूंगा, थोड़ी सी दही भी गार्निश में डाल दूंगा और हो गया खिचड़ी रेडी। सब कुछ टुगेदर है, सो यू डोंट हैव टू वर्क एक्चुअली नो टू ब्रिंग इन्ग्रीडियंट्स। आपके सामने सब कुछ है, काफ़ी चटपटा खिचड़ी है, काफ़ी टेस्टी है। खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। दैट्स द साइकोलॉजी, दैट्स द माइंड सेट दैट वी ऑल वर्क। हैप्पी हैप्पी एंड बी वेरी हैप्पी। अब मैं करता हूँ इसकी प्यारी सी प्लेटिंग, जो कि मेरा फेवरेट होता है जब मैं खाना बनाता हूँ। मुझे प्लेटिंग करना काफ़ी ज़्यादा है, यू नो आई रियली लाइक टू सर्व माई प्लेट वेरी वेरी वेल। ये अब जाएगा खिचड़ी बोल के अंदर। इसको रखते हैं साइड में। ये चला गया खिचड़ी। ऑफकोर्स ये पोर्शन थोड़ा छोटा है, बिकॉज वी आर ओनली सर्विंग यू टेस्टिंग मेन्यू काइंड ऑफ थिंग, कि आप थोड़ा सा टेस्ट करें। ओके, अब इसकी गार्निश करेंगे। ये एक फूल है जिसको बोलते हैं फ्रांजीपानी, या एडिबल होता है। ये काफ़ी इजीली अवेलेबल है। हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, लोकल की बात करते हैं, तो उसमें ये फ्लावर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आप इस अगर आपको ये फ्लावर ना मिले तो आप कोई भी हर्ब्स यूज़ करें, बीट, मस्टर्ड, मस्टर्ड क्रेस, चना का साग, पालक का पत्ता, चौलाई के पत्ते, यू नो यू कैन ऑलवेज गार्निश, बिकॉज इसमें थोड़ा सा फ्लावर डेकोरेशन की कमी है। सो आई एम जस्ट गोना पुट दिस फ्लावर ऑन टॉप। ये हो गया, थोड़ा सा और चिली पाउडर डाल देते हैं, बिकॉज इसमें मैंने चिली नहीं डाला है, तो इट्स नॉट दैट स्पाइसी, थोड़ा सा। और लास्ट में आप भूलिएगा मत, थोड़ा सा घी ज़रूरी है। सो घी मैं डाल देता हूँ ऊपर से, ताकि ये थोड़ा सा और टेस्ट में मज़ा आ जाए इसको। सो दिस इज़ माई वर्जन ऑफ राजमा खिचड़ी, जिसमें अचार डला है और
ये मेरा तरीका है खाना बनाने का, आप मेरे को देख के अपने तरीक़े से बनाइए और हमारे साथ रेसिपी शेयर कीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड क्रिएट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टाइम। सी यू देन, थैंक यू। लेट्स डू ए क्विक रिकैप ऑफ राजमा खिचड़ी। इसके लिए आपको चाहिए 500 ग्राम राजमा, 100 ग्राम ऑफ वाइट राइस एंड दाल जो कि बॉइल किया हुआ, ब्राउन राइस 50 ग्राम्स, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, टर्मरिक पाउडर 1 टेबल स्पून, अनियन टमाटो मसाला 1 टेबल स्पून, अचार स्वादानुसार आउट से, और लास्ट में आपको घी चाहिए। घी भी आप स्वादानुसार डाल सकते हैं। गार्निश कर दीजिए फ्रेश फ्लावर के साथ। रेडी है आपके अचार राजमा की खिचड़ी।